हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डू वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ओनली व्हेन वी डोंट कंपेयर समथिंग विद द अदर थिंग क्या हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स तभी यूज करते हैं जब हम एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरी चीज के साथ नहीं कर रहे होते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो no. हम हमेशा उस केस में ही नहीं यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री को हम कई बार उन केसेस में भी यूज़ करते हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो इस रूल को मैं अभी अच्छी तरह से आपको समझाने वाली हूँ ये देखिए यहाँ पर तीन सेंटेंसेस हैं सोहन इज एज टॉल एज हिज ब्रदर सुनीता इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर ही इज़ नॉट एज़ काइंड एज हिज़ फ्रेंड्स तो देखिए अगर आप तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर टॉल इंटेलिजेंट और काइंड ये तीनों वर्ड्स एडजेक्टिव हैं और ये तीनों ही पॉजिटिव डिग्री हैं एडजेक्टिव्स की ओके पॉजिटिव डिग्री आप कैसे समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पर देखिए टॉल के साथ ई आर नहीं लगा है ये कंपेरेटिव नहीं है और ना ही सुपरलेटिव है टॉलेस्ट भी नहीं लिखा है तो अब देखते हैं हम एक एक करके इन तीनों सेंटेंसेस को फर्स्ट सेंटेंस है सोहन इज एज टॉल एज हिज ब्रदर सो वट आर वी डूइंग हम क्या कर रहे हैं इस सेंटेंस में वी आर कम्पेयरिंग द हाइट्स ऑफ सोहन एंड हिज ब्रदर हम सोहन और उसके ब्रदर की हाइट्स को कंपेयर कर रहे हैं ओके okay? तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है और हमें पता चलता है कि बोथ हैव सेम हाइट्स दोनों की हाइट्स सेम है ठीक है देखिए यहाँ पर कंपेरिजन हुआ है पर फिर भी हमने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज़ करी है तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस है सुनीता इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर तो व्हाट आर वी डूइंग हियर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं वी आर कंपेयरिंग द इंटेलिजेंस ऑफ सुनीता एंड हर सिस्टर हम सुनीता और उसके सिस्टर का का इंटेलिजेंस का कंपैरिजन कर रहे हैं ओके बोथ हैव सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और हमें पता चलता है कि दोनों का इंटेलिजेंस का लेवल जो है वो सेम है सुनीता भी उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी कि उसकी सिस्टर है देखिए यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है पर फिर भी हमने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज़ करी है एडजेक्टिव की ठीक है इंटेलिजेंट वर्ड जो है वो पॉजिटिव डिग्री है तो अब हम देखेंगे एक और सेंटेंस ही इज़ नॉट एज काइंड एज हिज फ्रेंड्स तो वट आर वी डूंगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर भी हम कंपेरिजन ही कर रहे हैं okay? ओके तो यहाँ पर हम कंपेरिजन कर रहे हैं डिग्री ऑफ काइंडनेस का ओके किसी के हम काइंडनेस देख रहे हैं कि कोई कितना काइंड है ओके okay? और उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं उसकी फ्रेंड्स की काइंडनेस के साथ वी आर कंपेयरिंग द डिग्री ऑफ काइंडनेस ऑफ वन पर्सन विद मोर देन वन पर्सन ओके हम एक पर्सन की काइंडनेस का कंपैरिजन एक से ज़्यादा लोगों की काइंडनेस के साथ कर रहे हैं और इस सेंटेंस का मीनिंग है हिज फ्रेंड्स आर काइंडर दैन हिम उसके फ्रेंड्स उससे ज़्यादा काइंड हैं ओके okay, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है देखिए हम फर्स्ट सेंटेंस जो लिखते हैं ही इज़ नॉट एज काइंड एज हिज फ्रेंड्स अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और जो लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है तो दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है ओके देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हमने पॉजिटिव डिग्री यूज़ करी है चाहे यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है फिर भी हमने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ करी है सो आई होप आपको अच्छी तरह से आज का लेसन समझ में आ गया है इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरह से समझना है और प्रैक्टिस भी करनी है इसी तरह के वीडियोज़ में और लाती रहूँगी आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू गिव योर कमेंट्स ऑल्सो थैंक यू